22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। हर ओर राम राम हो रहा है। वहीं साउथ इंडस्ट्री के एक्टर प्रभास, जिन्होंने आदि पुरुष में राम का किरदार निभाया था, लेकिन वो अलग बात है कि इस पर उनकी बहुत फजीहत हुई थी। अब खबर चल रही है कि उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 50 करोड़ दिए हैं। एक इवेंट के दौरान आंध्र प्रदेश के एमएलए चिरला जग्गी रेड्डी ने ऐलान कर दिया कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन खाने पीने का पूरा इंतजाम प्रभास की तरफ से किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अनुज शर्मा और आप सभी देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। लेकिन इस बात में कोई सच्चाई ही नहीं है। ना ही प्रभास ने 50 करोड़ रुपए दिए हैं और ना ही वो खाने पीने का इंतजाम करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा में प्रभास के 50 करोड़ दान करने की बात उठी तो प्रभास की टीम ने इसका खंडन कर दिया और इसे सिर्फ एक अफवाह बताया। खाने पीने के इंतजाम वाली खबर को भी फेक बताया गया है। प्रभास को भी प्राण प्रतिष्ठा का न्योता अभी मिला है या नहीं, इस पर अभी कोई जानकारी नहीं है। पर यह आपको बता दें कि राम मंदिर उद्घाटन में शामिल होने जाएंगे या नहीं, वो इसका भी अभी कुछ नहीं पता। पर कई साउथ सुपरस्टार्स को प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला है। इसमें रजनीकांत, चिरंजीवी, रामचरण और धनुष समेत कई एक्टर्स शामिल हैं। इसके अलावा रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और अनुष्का शर्मा जैसे कई बॉलीवुड एक्ट्रेस को भी इसका इनविटेशन मिला है। पिछले साल प्रभास की फिल्म आदि पुरुष रिलीज हुई थी। इसमें उन्होंने राम का किरदार निभाया था। उस वक्त फिल्म के साथ साथ प्रभास को भी ट्रोल किया गया था, जिसमें उन्हें एक्सप्रेशन लेस बताया गया था। फिल्म के VFX और संवादों को भी खूब आलोचना मिली थी। हाल ही में उनकी सलार रिलीज हुई, इसके बाद से प्रभास ने बॉक्स ऑफिस पर कमबैक किया। इसके बाद उनकी फिल्म द राजा साहब आएगी, फिर कल्कि 2898 AD आनी है। इसके अलावा सलार 2 और संदीप रेड्डी वांगा की स्प्रिट जैसी फिल्म भी उनके खाते में आने वाली है। इस खबर पर अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप सभी बने रहे टीवी 9 भारतवर्ष के साथ।